आइए देखते हैं क्लास 9 की अगली वीडियो। प्रश्नावली 2.3 हम लोग खत्म कर चुके थे पिछली वीडियो में। आज पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड, जो अगला टॉपिक है। तो देखिए, बहुपदों का गुणनखंड क्या होता है। एक तो होता है जिसमें हमें बहुपदों का गुणनखंड करना होता है, लेकिन दूसरा होता है चेक करने वाला। सबसे पहले हम आप लोग को चेक करने वाला बताते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन पिछली वाली एक्सरसाइज से भी था और पिछले आप लोगों ने करा भी था पिछली वाली एक्सरसाइज में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि देखिए, एक एग्जाम्पल है, उसमें बोल रहे हैं जांच कीजिए कि x प्लस टू। सबसे पहले हम ये बता दें कि इसमें करना क्या होता है। एक इस तरह से कोई दे देंगे आपको पद, कहेंगे, और कोई दूसरा बहुपद दे देंगे और कहेंगे ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। बस यही होता है। तो यही चीज़ हम लोग को चेक करके बतानी होगी। कैसे चेक करेंगे वो हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। वो कह रहा है जाँच कीजिए कि एक्स प्लस टू बहुपदों, बहुपदों का मतलब दो बहुपद दिए गए हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और दूसरा बहुपद दिया गया है 2x प्लस 4। कह रहे हैं इन दोनों बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं, मतलब कि x प्लस टू इसका और इसका एक गुणनखंड है या नहीं, बस हमको इतना था। आइए देखते हैं, सबसे पहले ये वाला देखते हैं। इसका सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए एक्स प्लस टू इजगल टू जीरो रखेंगे, जो भी वेरिएबल हो एक्स वाई जेड उसका एक मान निकल के आएगा। एक्स इजगल टू माइनस टू, इसको यहाँ पर लिख लें, एक्स इजगल टू माइनस टू, ये इसका शून्यक है। इस तरह से निकाला जाता है शून्यक, ये आप लोग याद रखिएगा। तो शून्य कितना आ गया, एक्स इजगल टू माइनस टू। अब इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हम माइनस टू रखेंगे। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा हमको पी एक्स इजगल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना होगा, माइनस टू, उससे पता चल जाएगा ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो p x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस टू का होल क्यूब प्लस 3 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू प्लस 6, ये हो गया। अब देखिए माइनस टू का होल क्यूब माइनस का 8, 2 2 जो 4, 3 जो 12। देखिए माइनस स्क्वायर था प्लस हो गया, 5 2 जा माइनस का 10 और प्लस का 6। अब देखिए 12 प्लस का है 6 प्लस का है, 12 6 18 किसका, प्लस का, और माइनस 8 माइनस 10 माइनस का 18, माइनस 18 प्लस 18 आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई सा भी फंक्शन में जब हम शून्य का मान धरें और उसका 0 आ जाए, मतलब क्या होता है, उस फंक्शन का एक गुणनखंड जो दिया गया है वो है, जो सभी पद दिया गया है उसका जब शून्यक निकालेंगे तो वो उस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आइए देखते हैं यही 2x प्लस 4 वाले में। इसको हमने पी एक्स माना था, इसको क्यू एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यू एक्स इजकल टू 2x प्लस 4, ये है इसका शून्यक था एक्स इजकल टू माइनस टू, इसमें भी वही काम, माइनस टू रखेंगे तो 2 माइनस 2 और प्लस 4, 2 2 जा माइनस 4 और प्लस का 4, दोनों मान 0 आ जाएगा। तो क्या हमें समझ आ रहा है, क्यू इजकल टू भी माइनस टू आ रहा है। तो इसका भी एक गुणनखंड एक्स प्लस टू है और इसका भी एक गुणनखंड एक्स प्लस टू है। तो दोनों में क्या है, गुणनखंड है, मतलब कि यस लगेगा। हाँ बस इतना ही था हमें बताना था। क्या करा हमने, सबसे पहले जो पद दिया होता उसका शून्य निकालेंगे, उसको उस फंक्शन में रख देंगे, उस फलन में रख देंगे जो सा भी बहुपद दिया होगा। अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अगर ये बोल रहे हो कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान निकालिए, p का मान निकालिए, किसी का भी मान निकालिए, तो वो आइए देखते हैं। तो अब देखेंगे हम, जब बहुपद का गुणनखंड दिया गया हो तो k का मान निकालना या किसी भी कांस्टेंट का मान निकालना। हाँ आइए देखते हैं अगला सवाल क्या, इसमें हम समझेंगे गुणनखंड दिया हो तो के का अन्य, मतलब के या कोई अन्य अचर पूछ रहा हूँ तो उसका मान ज्ञात करना। तो इसमें गुणनखंड अगर हो तो क्या कंडीशन होती है, जैसे पी एक्स इजकल टू 0 हो जाएगा, मतलब फलन का मान 0 के बराबर होगा तभी वो उसका गुणनखंड होगा। तो आइए देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पी एक्स इजकल टू दिया हुआ है x² प्लस x प्लस k, ठीक, और बोल रहे हैं इसमें कि x-1 इसका एक गुणनखंड है, x-1 इसका एक गुणनखंड है। सबसे पहले इसका शून्य निकालेंगे, शून्य का आ जाएगा इसका
एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे, माइनस वन रहेगा एक्स इक्वल टू वन, तो इसका शून्य का जाएगा एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन इसकी जगह पर हम रख देंगे, इसकी जगह पर रखेंगे। लेकिन ये सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ कैसे है कि गुणनखंड दिया हुआ है, मतलब कि उन्होंने खुद ही बोल दिया है ये जो x माइनस वन है ये इसका एक गुणनखंड है, और गुणनखंड की कंडीशन हम लोग क्या लगाते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो आता है लास्ट में, तो वो इसमें हम मान लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोल दिया कि x माइनस वन गुणनखंड है, गुणनखंड है का मतलब पी एक्स इक्वल टू जीरो, x माइनस वन अगर इसका गुणनखंड है तो पी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ये है ही है। अब पी एक्स में हम ये तो दिया गया है, अब ये शून्य x इजिकल टू वन को हम इसमें रखेंगे पी एक्स में, तो पी एक्स का सबसे पहले यहाँ पर मान रख दें हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इजिकल टू जीरो, और यहाँ पर हम x की जगह पर वन रख देंगे, वन का स्क्वायर वन प्लस के इजिकल टू जीरो, वन वन टू प्लस के इजिकल टू जीरो, तो k इजकल टू माइनस टू, ये इसका आंसर आ गया k इजकल टू माइनस टू, मतलब क्या हो गया, गुणनखंड अगर दिया हो तो k का मान इस तरह से याद कर लेते हैं, क्या करते हैं कुछ नहीं, फंक्शन को जो भी फंक्शन हो पी एक्स क्यू एक्स उसको जीरो के बराबर करवाएंगे, फिर उसके बाद जो शून्य निकालेंगे हम गुणनखंड जिसका बोल रहे होंगे कि ये गुणनखंड है उसका शून्य निकालेंगे, उसको पी एक्स के मान में धर देंगे, k का मान अपने आप निकल आएगा। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। हाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, इसमें हम लोग को करना क्या होता है, ये जो कांस्टेंट दी होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, हमें कोई दो संख्या ऐसी चुननी होती है जिनका गुणनखंड कराने पर हमें कांस्टेंट प्राप्त हो और जिनको जोड़ने पर एक्स के गुणनखंड वाली संख्या प्राप्त हो, जब एक्स स्क्वायर का बहुपद दिया गया हो, मतलब कि हमें कोई दो संख्या चुननी होगी जिसको जोड़ने पर पाँच है और गुणा करवाने पर प्लस का छः है। तो देखिए टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स होता है, कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ देखिए टू इंटू थ्री इजगल टू एक्स होता है और टू प्लस थ्री इजगल टू फाइव होता है, बस हम यही कर लेंगे, और हम लोग को जोड़ना है या घटाना ये कांस्टेंट वाली साइन से देखते हैं, मतलब कांस्टेंट के पहले कौन सा प्लस का साइन लगा, तो मतलब जोड़ने पर आना चाहिए, और अगर यहाँ पर माइनस का लगा होता तो दोनों संख्या में ऐसी चुनी जिनका गुणनखंड छः है और जिन्हें घटाने पर फाइव एक्स आए, टू इंटू थ्री है, तो अब देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर इसी तरह से पड़ा रहता है प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, 2x प्लस थ्री एक्स इजकल टू फाइव एक्स आ जाएगा, और प्लस 6 2 इंटू थ्री होता है 6 आ जाता है, लेकिन इसको कुछ करते नहीं है, इसको इसी तरह से लिखा रहने देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इजकल टू प्लस 6, इन दोनों में x कॉमन कर लेंगे x प्लस टू आ जाएगा, इन दोनों में 3 कॉमन कर लेंगे x प्लस टू आ जाएगा, x प्लस टू एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x प्लस थ्री एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये इसका गुणनखंड हो गया, बस यहाँ पर टॉपिक खत्म।